मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों पे उड़ान होती है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी ने अभी अभी मेंस का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। नोटिफिकेशन में आया था कि जो है हम फोर्थ वीक में डिक्लेयर करेंगे, बट अल्टीमेटली यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है, एज्यूमिंग कि आप लोगों को ज़्यादा समय मिल पाए अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो। होने को उस पीडीएफ को लेकर आधा घंटा मैं भी यूट्यूब पे एक बढ़िया कमेंट्री बना सकता था, बट हमने अल्टीमेटली ये चूज़ किया कि बजाय उसके सीधे आपके लिए आराम सीरीज का लेक्चर 2 शूट कर लिया जाए, बिकॉज आपके टाइम बहुत वैल्यूएबल है। जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, जो लोग कर पाए हैं उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज पर आ चुके हैं अब यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। कुछ ही कदम चलना है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और जो लोग आखिरी स्टेज पर आके कुछ नंबर से रह गए हैं उनके लिए भी ये बात कहना चाहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थकार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो थके मत, रुके मत, हारिए मत, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और इस मंजिल में पूरा पूरा साथ देने के लिए टीम आईएएस आपके लिए बिल्कुल निशुल्क प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ये लेके आई है। तो आज ये सेकंड लेक्चर है, आप शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा क्लिकबेट ना करते हुए। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कुछ थीम्स के बारे में, जाना था कि जिन पे यूपीएससी रिपीटेडली स्पीसीज इन न्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ रही है, और उनकी कुछ स्पीसीज भी जानी थी। पहला था कि कोई भी स्पीसीज आपको पढ़े तो कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है वो स्पीसीज है क्या, क्या वो मैमल है, क्या वो रेप्टाइल है, क्या आखिर वो है क्या। उसके बाद दूसरा कि उसका IUCN में स्टेटस क्या है, साइट्स अपेंडिक्स में उसका क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करनी है। कंजर्वेशन एफर्ट आपको याद रखने कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा कौन कौन सी ट्रैफिक है, ट्रैफिक ने कौन सा वो चलाया है, या फिर कोई और सोसाइटी है तो उसने क्या क्या चीज़ें जो है वो चलाई हुई हैं। हैबिटेट में देखिए वो चीज़ें देखिए कि वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर उसकी वो है। फीचर्स देखिए उसके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, और थ्रेट्स देखिए कि उसको थ्रेट्स किन किन चीज़ों से हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे सबसे पहली जो चीज़ है वो है टर्टल्स ऑफ इंडिया जो कि न्यूज़ में थे। अब बात करते हैं मैराइन टर्टल्स इन इंडिया की। देखिए जब मैराइन टर्टल्स की हम बात करते हैं, इंडिया में पाई जाती हैं 5 स्पीसीज टर्टल की, जिनमें 5 हैं। पहली है ओलिव रिडले, दूसरी है ग्रीन, तीसरी है ऑक्सबिल, चौथी है लेदरबैक, और 5वीं है लॉगरहेड। तो इंडिया जो है वो जाना जाता है सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जो है वो ओलिव रिडले टर्टल, ठीक है। मैराइन टर्टल्स की जब हम बात करें इनका रोल क्या रहता है, इनका बेसिक रोल ये रहता है कि ये इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, कोस्टल वेजिटेशन ज़्यादा ना हो इसके ऊपर जो है ये उसको ईट करके पूरा पूरा वहाँ पर एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। अब इंडिया में जो ये 5 स्पीसीज हैं सी टर्टल की वो शेड्यूल 1 में रखी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इन सभी को के जितने भी नेस्टिंग साइट्स हैं उनको CRZ आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखिएगा, आगे हम लोग इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स में। तो CRZ 1 में इनको इंक्लूड किया गया है। अब टर्टल्स की जब हम बात करते हैं, हॉक्सबिल को रखा गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ग्रीन टर्टल जो है वो एंडेंजर्ड है, लेदरबैक वल्नरेबल है, लॉगरहेड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ओलिव रिडले है वल्नरेबल। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे स्पीसीज की। तो रेड सी टर्टल की जब हम बात करते हैं, रेप्टाइल है, हैबिटेट की बात करें रेड सी में पाया जाता है। रेड देखिए रेड सी टर्टल का तो मतलब कहाँ पाया जाएगा, रेड सी इसका होम है। अब इसके अलावा 7 स्पीसीज और पाई जाती हैं रेड सी में, वो कौन कौन सी है, ग्रीन टर्टल जो कि एंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल टर्टल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लॉगरहेड टर्टल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओलिव रिडले वल्नरेबल है, लेदरबैक टर्टल भी वल्नरेबल है। तो ठीक है, IUCN स्टेटस सबके आपको पता चल चुके हैं। आप थ्रेट्स की बात कर लेते हैं, ये जो रेड सी के टर्टल्स है ना, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग और एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, ये रेड टर्टल्स जो हैं ये फीमेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। होता क्या है इन टर्टल्स में कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इनका जेंडर चेंज होने लगता है। वैसे ये चीज़ जो है काफ़ी चिंताजनक है कि इस तरीके से तो सिंगल खाली वुमेंस ही वुमेंस बचेंगी, वुमेन टर्टल ही बचेंगी, सोच के देखिए ऐसा ह्यूमंस में हो तो कैसा रहेगा। तो इन्वायरमेंट चेंज का एक इफेक्ट ऐसा ह्यूमंस के ऊपर भी पड़े, तभी ह्यूमंस समझेंगे कि इन्वायरमेंटल चेंज कैसे मैराइन एक्सटेंशन की ओर ले जा रहा है। तो अगर हमें 50-50 रेशियोज का बचा के रखना है तो 29.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमें रखना पड़ेगा। कंजर्वेशन एफर्ट्स और फीचर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ये आप लोगों का होमवर्क है। हम सब चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं, बट कुछ चीज़ें होमवर्क भी जरूरी हैं ताकि आप लोग इसको पढ़े। लेदरबैक टर्टल के बारे में पिछली वीडियो में जाना था, फिर रिवाइज कर लेते हैं। रेप्टाइल है, वल्नरेबल हैं, साइट्स अपेंडिक्स में जो है इनका स्टेटस 1 है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हैबिटेट क्या है, ओशन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इनके जब फीचर्स की बात करें तो ये जो हैं सबसे हैवीएस्ट, मतलब 4th हैवीएस्ट मॉडर्न रेप्टाइल हैं, और इसके पीछे जितने भी हैं वो क्रोकोडाइलियंस हैं, ठीक है। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, सरकम ग्लोबल लिखा हुआ है। तो सरकम ग्लोबल मतलब लगभग ग्लोब में हर जगह, बट कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे आर्कटिक एंटार्कटिक वहाँ ये पाए नहीं जाते हैं। और नेस्टिंग साइट्स इनकी क्या है, ट्रॉपिकल नेस्टिंग साइट्स हैं। नॉन नेस्टिंग साइट्स का मतलब क्या है, जहाँ पर ये नेस्ट नहीं करेंगे वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, वो पोलर रीजन्स और सब पोलर रीजन्स। देखिए तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जो लंबा सा मोटा सा कछुआ है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा ट्रॉपिक्स के आसपास गर्म जगहों में पाया जाएगा, आर्कटिक एंटार्कटिक में ये लोग नहीं पाए जाएंगे, ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलिए कि इनका जो शेल है वो, और एक उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, ऐसे याद कर लीजिएगा कि
इनका जो शेल है वो और ठोस हो जाएगा और ये वहाँ डेथ हो जाएगी इनकी। इस टाइप से याद कर सकते हैं, ये होता नहीं एक्चुअली। तो थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं, पोचिंग इंटेंस, एग कलेक्शन, फिशरी, बाइकैच, ये सब चीज़ें इनके वो हैं। अब ओलिव रिडले टर्टल डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो दोबारा नहीं बोलूंगा ओलिव रिडले टर्टल के ऊपर। अब बात करते हैं साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस के बारे में। तो इसकी फोटो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं लगाई है, तो इसको फोटो अपडेट करके टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नहीं तो स्निप्स का एक चैनल हम लोग अलग से बना देंगे, जिसमें केवल और केवल एनवायरमेंट कवर करवाएंगे आपका पूरा पूरा। तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस की अब हम बात करते हैं, तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नदर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। ये किसके और क्या नाम से जाने जाते हैं, ये लॉन्गेटेड टॉर्टोइस के नाम से जाने जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। थ्रेट्स की बात करें तो ये हंट होते हैं फूड के लिए, वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए, डेकोरेटिव मास्क के लिए, और उत्तराखंड जो है वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्पीसीज का। अब बात कर लेते हैं अरीबाडास की। देखिए ये हैं ओलिव रिडले टर्टल्स, जब ये मास नेस्टिंग करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अरीबाडास। तो अरीबाडास को याद रखिएगा, अगर आया द वर्ड अरीबाडास इन न्यूज इज रिलेटेड टू, याद रखिएगा ओलिव रिडले टर्टल के लिए है जब ये नेस्टिंग करते हैं अलॉन्ग 480 किलोमीटर लॉन्ग उड़ीसा कोस्ट। तो जो तीन अरीबाडा बीचेज हैं उनको भी नाम याद रख लीजिएगा, गरी माता बीच, इन माउथ ऑफ देवी रिवर, इन ऋषिकुल्य, जहाँ पे 1 लाख नेस्ट लगभग पाए जाते हैं एनुअली। तो रिसेंट में जो मास नेस्टिंग साइट है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी डिस्कवर की गई है, जहाँ पे अराउंड 5000 नेस्ट जो है अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं इस सीजन में। आप देखिए रेड क्राउंड रूफ टर्टल, तो देखिए इन स्पीशीज का जब भी नाम है ना, तो पहले स्पीशीज को नाम को ही समझिएगा। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल मतलब ऐसा टर्टल जिसका क्राउन रेड रेड है। और तो अब इसके ऊपर आते हैं, तो ये क्या है, रेप्टाइल होगा। फीचर की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज है, जो कहाँ पाई जाती है, अलॉन्ग टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट्स में, रिवर जिनमें टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट्स होती है। इनकी 24 स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में एंडेमिक हैं। इनको करेक्टराइज कैसे किया जाता है, इनमें रेड येलो व्हाइट ब्लू लाइन्स होती हैं फेसेस अलोंग द नेक्स, ये दिख रही होंगी आपको, नहीं दिख रही होंगी तो इसकी इमेज जूम करके देखिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर है, ये रेड ग्रीन ये लाइन्स इनके ऊपर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करें तो ये इंडिया के नेटिव है, बांग्लादेश और नेपाल के नेटिव है। हिस्टोरिकली ये पाए जाते हैं गंगा इंडिया और बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाए जाते हैं। करेंटली इंडिया की जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, जो कि कहाँ कहाँ एक्सटेंडेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ इसकी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन पाई जाती है। IUCN में इनका स्टेटस एंडेंजर्ड है। कंजर्वेशन इफर्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 में रखा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स अपेंडिक्स 2 में है। थ्रेट्स की जब हम बात करें तो इंडिया में चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी जो है ये ओनली एरिया है जहां पर इनका सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है, और भी प्रोटेक्टेड एरियाज इनके लिए बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आसाम रूफ्ड टर्टल की बात करते हैं। अब देखिए छोटा सा बौना सा टर्टल है जो हाथ में आ जाता है, जिसकी पीठ के ऊपर एक नाखून सी आकृति बनी हुई है। तो क्या टाइप है कमेंट सेक्शन में बताइए, पिछले दो टर्टल्स को हम लोग बता चुके हैं। अब IUCN स्टेटस की जब हम बात करते हैं, एंडेंजर्ड है। तो कंजर्वेशन एफर्ट की जब हम बात करते हैं, प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ है ये शेड्यूल 1 में, और बाकी चीज़ें हैबिटेट, फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन और थ्रेट ये पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, और इसको क्या बोला जाता है, निल्सोनिया निगीकेन्स। तो थोड़ा टफ नाम है, मगर देखिए शक्ल देखकर ही और पूरा देखकर ही कितना टफ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। टाइप और फीचर्स की हम लोग बात कर चुके हैं कि ये टाइप क्या है, फिर पूछ रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि टर्टल्स की स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो एक टर्टल जो होगा वही बाकी टर्टल्स भी होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें तो ये रेयर फ्रेश वाटर टर्टल हैं। अभी अभी इनको कहाँ साइड किया गया, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज में पाया गया था, तो इसी के बाद ये लोग न्यूज़ में थे। तो ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुके हैं कहीं कहीं, बट ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कुछ टेम्पल्स में जैसे कि उगारथला टेम्पल, ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कई टेम्पल्स में, आसाम में, बांग्लादेश में। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज में ये पाए जाते हैं। इसके हैबिटेट की जब हम बात करें तो ये आसाम के वेरियस पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, जैसे हयाग्रीवा माधव टेम्पल है, वहाँ इसकी थ्रेटेंड स्पीसीज पाई जाती है। IUCN में इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट इसको कई जगह एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कह चुके हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेशन एफर्ट की जब हम बात करें, अभी हाल ही में एक टेम्पल ने MOU साइन किया है कुछ NGOs के साथ, आसाम की जू बॉटेनिकल गार्डन और करुमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि इनका कंजर्वेशन हो सके। इसके अलावा विजन डॉक्यूमेंट साइन किया गया है 2030, जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और इंडिया एंड हेल्प अर्थ। तो इन लोगों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है इन्वॉल्विंग हयाग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी। तो बढ़ते हैं आगे, सिंगोस सॉफ्ट शेल टर्टल, तो नाम से ही समझ जाइए क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, सी फ्लोर बायोसिस्टम के लिए। ये क्या क्या एनरिच करते हैं, ये सॉइल न्यूट्रिएंट और सीड डिस्पर्जन में वो करते हैं। इसके अलावा नेचुरल हैबिटेट की जब हम बात करें, वेटलैंड्स है, लार्ज लेक्स हैं, ये चाइना और वियतनाम के नेटिव हैं, IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल निसोलिनुहरुम, बड़ा
कठिन सा नाम है, मैं इसको स्पेल दोबारा करता हूँ, नील्स सोनिया हुरुम, नील्स सोनिया हुरुम, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कंजर्वेशन एफर्ट की, तो वो IUCN में वल्नरेबल स्पीसीज है, साइट्स अपेंडिक्स वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल वन में है। इनके हैबिटेट की जब हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पाए जाते हैं। जब फीचर्स की बात करते हैं हम इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल की, जिनके ऊपर से पीकॉक से सिंबल बने हुए होते हैं, तो ये वाइड स्प्रेड है कहाँ कहाँ, नदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थर्ड्स की जब हम बात करें तो देखकर ही लग रहा है मीट के लिए और इनकी रिम के लिए, जो बहुत सी पीकॉक की तरह रिजेंबल करती है, उसके लिए इनका हंटिंग होती होगी। ठीक है, अब इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, टाइप के आपको पता है रेप्टाइल्स हैं। फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, बहुत स्मॉल सॉफ्टशेल टर्टल है। ये क्या काम करता है, स्कैवेंजर ऑफ रिवर। बात बताइए मुझे कि स्कैवेंजर ऑफ लैंड किसे कहा जाता है, आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ प्रेफर करते हैं, ये प्रेफर करते हैं वाटर, सैंड, मड बॉटम्स, और इनकी टेंडेंसी क्या है, बुरो करने की। इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टशेल टर्टल जो है वो कार्निवोरस हैं, बट कुछ कुछ जो है वो ओमनिवोरस भी हैं, क्योंकि वो प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, तो याद रखिएगा कार्निवोर प्लस ओमनिवोर भी हैं। अब हैबिटेट की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडस गंगेस ड्रेनेज में ये पाए जाते हैं, म्यांमार में जो इरावाड़ी और सालवीन रिवर में ये पाए जाते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट की जब हम बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल वन, और IUCN का स्टेटस जो इनका वल्नरेबल है, वहीं साइट्स अपेंडिक्स टू में ये लिस्टेड है। अब रिसेंट में ही एक ओडिशा की जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने 40 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स को जो है उनको रिलीज़ किया है सतीगुड़ा डैम में, जो कि स्मगल किए जा रहे थे। तो इनका थ्रेट्स की जब हम बात करें, तो स्मगलिंग वन ऑफ द मेन इशू हो जाएगा, और इनको जो है शेड्यूल वन मतलब क्लास वन स्पीसीज में रखा गया है वाटर एनिमल की, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि इस स्पीसीज में क्या होता है, क्लास वन स्पीसीज में जो स्मगलिंग करता है वो नॉन बिलेबल ऑफेंस है, तो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एल्बिनो फ्लैपशेल टर्टल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एल्बिनो फ्लैपशेल टर्टल्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, इनके फीचर्स की जब हम बात करते हैं, ये लिसमेन, इनको क्या कहा जाता है, लिस सेमिस पुंक्टू टाटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं, फाउंड कहाँ कहाँ होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। एल्बिनो वर्जन है ये इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स का, देखिए ये इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, इनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनका अपीयरेंस डिफरेंट है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल से, तो इनके जेनेटिक्स में ही कंजेंशियल डिसऑर्डर आ जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है, कंप्लीट या पार्शल एब्सेंस ऑफ टायरोसिन पिगमेंट। ठीक है, फ्लैपशेल का स्टेम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं फर्मोरल फ्लैप्स, जो कि इनके प्लेस्टोन में होते हैं, तो ये जो होते हैं इसकी स्किन्स को, लिम्स को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं। इसके IUCN स्टेटस की बात कर लेते हैं, ये वल्नरेबल है, और हैबिटेट की बात कर लेते हैं, तो ये पाए जाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। थ्रेट्स आपको वही है, थ्रेट्स क्या क्या होंगे, पोचिंग, हंटिंग और मीट के लिए ये वो होंगे। ठीक है, टाइप आपको इंडियन स्टार टर्टल इसका पता ही है। IUCN स्टेटस की बात करते हैं आगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स की जब हम बात करें, शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रोटेक्टेड हैं, और इनका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, और इनको प्रोहिबिट किया गया है एक्सपोर्ट करने से अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके अलावा अगर ये पाए जाते हैं कस्टम्स को कि ये आप इनको वो कर रहे हैं, तो ये कन्फिस्केट होंगे। अलोंग विद दैट, इंडिया जो है साइट्स अपेंडिक्स टू मतलब से इसको रिलिस्ट करवाना चाह रही है अपेंडिक्स वन में, तो वो लगभग वन। अब इंडिया ने अभी अभी एक अपग्रेड करने का इसका जो है प्रपोजल दिया है, जिसमें स्टार टॉर्टोइस, स्मूथ कोटेड ऑटर, इसके साथ साथ स्मॉल क्लॉड ऑटर्स को जो है साइट्स की लिस्ट में जो है साइट्स अपेंडिक्स वन में किया जाए, जो कि अप्रूव भी हो चुका है। तो अपेंडिक्स वन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इसमें पूरी तरीके का ट्रेड और बाकी चीज़ें जो हैं वो रोक दी जाती हैं। अब अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स की जब हम बात करते हैं, तो मोस्ट एंडेंजर्ड लिस्ट है, जिसमें कि मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज आती है, पूरी तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है वो रखा जाता है। अब हैबिटेट की जब हम बात करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इंडिया और श्रीलंका में। थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं, ये दो थ्रेट्स फेस करते हैं, एग्रीकल्चर, इलीगल हार्वेस्टिंग और पेट ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं, इंप्रेस्ड टॉर्टोइस। अब देखिए इसका नाम ही इंप्रेस्ड रखा है, क्योंकि इसको देखते ही आदमी इंप्रेस हो जाता है। जैसे कई से लोग जो होते हैं मोटी मोटी किताबें देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और आ जाते हैं UPSC की तैयारी करने, पर बाद में पता चलता है कि ये तैयारी मोटी मोटी किताबें देखकर नहीं, उनका बार बार रिवीजन से निकलता है। तो इंप्रेस्ड टॉर्टोइस की जब हम बात करते हैं, ये ब्यूटीफुल है, इसीलिए इसको इंप्रेस्ड कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, याजली एरिया ऑफ सुबर्नी डिस्ट्रिक्ट में मेजरली पाया जाता है। इसकी टू स्पीसीज हैं अंडर मेनोरिया जीनस। ठीक है, अभी अभी इंप्रेस टॉर्टोइस भी इंडिया में डिस्कवर किया गया है। फर्स्ट रिकॉर्ड इसका कहाँ पाया गया, ये लगभग 5 हैं, और नॉन मेराइन चेमोलिन जो हैं वो 29 हैं। चेमोलिन क्या है, चेमोलिन एक ऑर्डर है रेप्टाइल का, जो जिसमें टर्टल्स आते हैं, टेरेपिन आते हैं, टॉर्टोइस आते हैं। एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइस जो है वो लार्जेस्ट मेनलैंड एशिया का, मतलब जो है पूरे एशिया मेनलैंड का सबसे लार्जेस्ट टॉर्टोइस है,
जो कि फाउंड कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में, जो कि है 20 out of other 28 स्पीसीज ऑफ चेमोलिंस। तो मेन मेल इम्प्रेस टॉर्टोइज जो है वो स्मॉलर होते हैं फीमेल से 30 सेंटीमीटर, और मुनोरिया स्पीसीज जो है वो 1/3 साइज की होती है एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साल टॉर्टोइज के बारे, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज के बारे में पिछले उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर टर्टल की बात करते हैं तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इसका नाम कहाँ से आता है? इसका नाम आता है इन रेड स्ट्राइप्स के अराउंड, तो जो इसके कान के अराउंड है। तो ये क्या करती है, ये इसको एक एबिलिटी भी प्रोवाइड करती है टू स्लाइड क्विकली ऑफ फ्रॉम द सर्फेस वाटर। ठीक है, ये नेटिव कहाँ की है? ये यूएस और नदर मेक्सिको की नेटिव है। यहाँ पे कुछ गलती से नेटिव टू इंडियन टर्टल्स ये लिख दिया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दीज टर्टल्स जो होते हैं ये क्या इंपैक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को, बिकॉज ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं बहुत से टॉक्सिन्स इन देयर टिश्यूज और जो कि फूड चेन में जा सकते हैं। IUCN में जिसमें लिखा गया है कि 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज, उनमें रेड स्लाइडर टर्टल भी लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन के बारे में। ये ब्रैकिश वाटर स्पीसीज है, लार्जेस्ट सी टर्टल इन साउथ ईस्ट एशिया है। इसके अलावा ये पाया जाता है सुंदरवन और ओडिशा में। डिस्क्राइब किया जाता है सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टर्टल आफ्टर यंग स्टेज एंड सॉफ्ट शेल टर्टल। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि रीजनली एक्सटेंड हो चुका है म्यांमार में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, वियतनाम में, IUCN में भी इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। थाइट्स अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। ठीक है, एशियन पाम किवेट की बात कर लेते हैं। नेटिव है एशिया के रीजन में, रिंगिंग ईस्ट एस फिलीपींस और कश्मीर वेस्ट में। एशियन पाम कीवेट जो है ट्रॉपिकल जंगल में पाया जाता है, और एशिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो ये पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रॉपिकल जंगल में। स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। ट्रावनकोर टॉर्टोइज की बात कर लेते हैं। लार्ज फॉरेस्ट टॉर्टोइज है, वल्नरेबल है, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड कहाँ के लिए है? ये वेस्टर्न घाट इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं टर्टल कंजर्वेशन एफर्ट्स की। जितना अभी तक हमने पीछे बात छोड़े हुए थे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है, सबसे पहले है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो ये क्या है? ये एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कमिट करता है जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन इन द 21st सेंचुरी। ये कहाँ पाया गया था? ये बनाई गई थी 2001 में बाई IUCN विथ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइज। तो TSA जो है वो किस लिए अराइज हुआ? देखिए, हुआ क्या था कि एशिया के जो चाइना के मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है टर्टल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड, और आपको पता है कि वो जब चमगादड़ मार के खा जाते हैं और कोरोना वायरस फैला सकते हैं, तो वो टर्टल्स के लिए क्या करते होंगे? यहाँ पर रैम्पेंट ट्रेड शुरू हो गया। जैसे कोरोना से पहले तो उनको पता भी नहीं था, वो तो चमगादड़ का ऐसी ट्रेड चल रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो इसी को देखते हुए वहाँ पर क्या होता है, रैम्पेंट ट्रेड चल रहा था इसका, और इसी को देखते हुए टर्टल्स की स्पीसीज बहुत कम होने लगी। तो IUCN आ गया बीच में, उसने कहा कि मिशन जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन इन 21st सेंचुरी लॉन्च करते हैं, और TSA बन गया वहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर होता क्या है, टर्टल्स एंड टर्टोइज के जो है कंजर्वेशन की बात यहाँ पर की जाती है, इसीलिए ये टोटल न्यूज़ में रहता है, और ये UN का सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं बहेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड का। तो ये अवार्ड दिया जाता है, एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि टॉर्टोइस के कंजर्वेशन के फील्ड में दिया जाता है, इन चेमोलियन कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है TSA, IUCN, SSC, टॉर्टोइस फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, TFSG के द्वारा। इसके अलावा टर्टल कंजर्वेंसी TC और टर्टल कंजर्वेशन फंड इसको जो है को प्रेजेंट करते हैं। ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, और रिकोगनाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप इन इंटरनेशनल टर्टल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब IOC मैराइन टर्टल MOU। तो अब ये MOU क्या कहता है? ये कहता है ये MOU जो होगा वो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैराइन टर्टल्स इन देयर सस्टेनेबल हैबिटेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया जो है IOC का जो है मेंबर है, सिग्नेटरी है। तो ये लॉन्च कब किया गया? इसको ही साइन करने के बाद इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से 2026 में। अब मेरे को थोड़ा गोल बताइए कि क्या क्या नेशनल मैराइन एक्शन प्लान के गोल्स हैं। IOC में एग्रीमेंट जो है वो क्या क्या एम करता है? मेंटेन एंड रिकवर मैराइन टर्टल पॉपुलेशन। इसमें 6 स्पीसीज मैराइन टर्टल की रिकवर की गई हैं, जैसे लॉगरहेड वल्नरेबल, ओलिव रिडले का जो स्टेटस है वो करंटली वल्नरेबल है, ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड, हॉक्सबिल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेदरबैक वल्नरेबल, फ्लैटबैक डाटा डेफिशिएंट है, और इनमें से मोस्ट जो स्पीसीज हैं वो माइग्रेट करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ऑपरेशन सेव कुर्मा किसके द्वारा चलाया गया 2016 में? बाय WCCB, और इसको एम क्या है इसका? टू कंजर्व सम स्पेसिफिक टर्टल्स। अब कुर्मा ऐप रिसेंटली वर्ल्ड टर्टल डे पर जो है रिलीज किया गया, बाय लॉन्च किया गया, जो कि एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है कुर्मा, जो कि टर्टल कंजर्वेशन के लिए इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो है कोलेबोरेशन में टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है।
इसमें क्या होता है कि टर्टल्स की जो है स्पीसीज को भी आपको दिखाता है और नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर भी। ठीक है, तो टर्टल्स की पूरी पूरी बात होगी। कैट स्पीसीज की बात करते हैं, फिशिंग कैट, देखिए ये प्यारी सी बिल्ली जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, ये पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर और वेस्टर्न घाट। कंजर्वेशन एफर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वल्नरेबल है, अभी अभी इसको लिस्ट किया गया है वल्नरेबल फ्रॉम एंडेंजर्ड, तो IUCN का जो रिसेंट वो हुआ था, तो इसमें अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में इसको इंक्लूड किया गया है। 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया। तो आप बताइए वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या है? फिशिंग कैट। तो अलियर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो है प्लान किया था कॉलरिंग ऑफ 10 फिशिंग कैट्स इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट क्या एम करता है, इनको पकड़ेंगे, इनके गले में एक कॉलर डालेंगे जिसमें GPS होगा ताकि इनको ट्रैक कर सके। जैसे आपको पता होगा कि कुछ समय पहले टाइगर्स को भी कॉलरिंग करने की बात की जा रही थी, तो इसी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरा पूरा। इसका IUCN स्टेटस सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कॉलरिंग की जब हम बात करें तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वो GPS बेस्ड चिप को जो है कॉलर करेंगे। अब देखिए ये एशियाटिक गोल्डन कैट है, बिल्कुल क्या है, गोल्डन कलर की प्यारी प्यारी बिल्ली है ये। तो साइंटिस्ट ने ये पाया गया है कि इसके 5 और शेड आते हैं, सिनेमन, ग्रे, मेलनिस्टिक, ऑकलेट और टाइटली रोसेट। तो गोल्डन जो है वो अब केवल अकेला एक्सक्लूसिव कलर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कलर्स पाए गए हैं। इसके कोट्स जो होते हैं वो 5 शेड्स में आते हैं अरुणाचल में, और इसका जो करंट स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडोनेशिया में ये पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मैमल स्पीसीज की। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटाइपस की। ये देखिए कुछ ऐसा, ये अजीब सजीब है, कुछ कुछ UPSC एस्पायरेंट भी ऐसे हो जाएंगे। तो ये ब्लैक बिल्डर मैमल है, ओनली एनिमल है जिसकी बीग भी है, देखिए बीग भी है और वेब्ड फीट भी है इसके पास। ये एंडेमिक कहाँ का है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। और टू प्रमोट ब्रीडिंग रिहेबिलिटेशन पहला प्लेटिपस रेफ्यूजी बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूगोंग के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, पिछली वीडियो जाके देखिए क्योंकि जबरदस्ती इस वीडियो का भी 40 मिनट बन जाएंगे। अब बात करते हैं डॉल्फिन्स की। इंडस डॉल्फिन और एक और डॉल्फिन की प्रजाति है, दो सेपरेट स्पीसीज हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन या प्लेटेनिस्टिका गैंगेटिका की बात कर लेते हैं। तो ये फंक्शनली ब्लाइंड होती है, ये क्या करती है, मुंह से नॉइज छोड़ती है जैसे कि बैट छोड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, बुलान भी कहते हैं। ये फाउंड कहाँ होती है, लोअर पार्ट ऑफ इंडियन इंडस रिवर, पाकिस्तान, रिवर ब्यास, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इन पंजाब। और इसके अलावा देखिए बहुत सी मडी रिवर में पाई जाती है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, डिक्लेयर कब हुआ 2009 में, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट में इंक्लूडेड है। स्पीसीज जो है ये इंडिकेटर स्पीसीज भी है, इंडिकेटर किसकी, रिवराइन इकोसिस्टम की। आप गैंगेटिक डॉल्फिन की जब हम बात करते हैं तो ये रिलायबल इंडिकेटर है किसका, एंटायर रिवर इकोसिस्टम का अच्छा होने का। इसे क्या कहा जाता है, सुसुर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, ब्लाइंड है। इसके अलावा बहुत सी बातें इसके लिए लिखी गई हैं, जैसे ये पाई जाती है बैजी यंगस्टे रिवर चाइना में, बोटो कहते हैं इसको अमेजोन रिवर में, बुलान कहते हैं इंडस रिवर में। गैंगेटिक डॉल्फिन की जब हम बात करें तो ये यूज़ क्या करती है, ये एको यूज़ करती है। इसके अलावा ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एक्सटेंसिव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना करणपुली संग रिवर सिस्टम में बांग्लादेश में। इसके अलावा ये कहाँ और पाई जाती है, करनाली में, सप्तकोशी रिवर ऑफ नेपाल में। इंडिया में जब हम बात करते हैं तो ये पाई जाती है आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और ये हमेशा प्रेफर करती हैं डीप वाटर जहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है रिवर का, और ये हमेशा क्या दिखाती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से साफ़ है। इसके पॉपुलेशन की जब बात करें तो लगातार डिक्लाइन हो रही है। मेजर थ्रेट क्या है, वही फिशिंग और ज़्यादा पॉल्यूशन। इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो चालू किया गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस इसको गवर्नमेंट ने दिया है 2017 में, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में इंक्लूडेड है। और अभी अभी विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार जो है वो ओनली सेंचुरी बन गई है टू होस्ट गैंगेटिक डॉल्फिन। इसके अलावा हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का 2010 से 2020 का लॉन्च किया है। तो कुल मिला के बात कर लिए टाइप, स्टेटस, कंजर्वेशन एफर्ट, हैबिटेट, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और थ्रेट की। अब आगे बढ़ते हैं चाइनीज पिंक डॉल्फिन। देखिए पिंकी पिंकी सी जो डॉल्फिन है वो है चाइनीज पिंक डॉल्फिन। तो ये हम्पबैक डॉल्फिन है, जो कि हम्पबैक डॉल्फिन की स्पीसीज है, जो कि पाई जाती है कोस्टल वाटर में ईस्टर्न इंडिया में और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अब भैया अभी तक कई लोग सुन तो रहे होंगे पर नोट्स नहीं बना रहे होंगे, उनसे बोलना चाहूंगा कि इसकी PDF वगैरह जो दूंगा वो बाद में दूंगा, पहले नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि ये स्पीसीज क्या कहते हैं इसको, चाइनीज व्हाइट और पिंक डॉल्फिन इसको कहा जाता है। IUCN का स्टेटस इसका वल्नरेबल है और रिसेंट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है चाइनीज पिंक
डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ये पर्ल कम बैक इन पर्ल रिवर एस्चुरी जो कि साउथ चाइना सी में है वहाँ पर जो है ये पाई जाती थी, बट हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है तो वहाँ पर जो है इसका जो है कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब प्रोजेक्ट तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट और कंजर्वेशन एफर्ट्स की। तो रेस्क्यू गाइड गेंगिस डॉल्फिन का रिसेंटली रिलीज किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था टर्टल सर्वाइवल अलायंस प्लस EFCD जो क्या है एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा ये जो मैनुअल है ये एंडोर्स किसके द्वारा की गई है, बहुत बड़ी बात है कि IUCN का KKTN स्पेशलिस्ट ग्रुप और बाकी 100 स्पेशलिस्ट ग्रुप यानी SSG जो है और टास्क फोर्स जो कि IUCN प्लस स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन इन सबको जो है कंस्टिट्यूट करता है, इन लोगों ने भी इसको एंडोर्स किया है। इसके अलावा देखिए जो कैकेटियंस हैं वो क्या हैं, वो मैमल्स हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं इंफ्रा ऑर्डर कैक्टेरिया का इंक्लूडिंग वेल्स डॉल्फिन्स और पॉलीपॉइसिस। अब बात करते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की। तो इंडिया का एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ आ रहा है, पटना यूनिवर्सिटी बिहार में। तो ये सेटअप किसके द्वारा कहाँ पर किया गया है, गंगेस रिवर के यानी कि गंगा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी जो कि इंप्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। और एज पर कमेटी जो है बिहार को नेचुरल एडवांटेज है क्योंकि 50% ऑफ रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन यहाँ पर है और ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 2011 में। ठीक है, तो आगे बढ़ना बढ़िया, यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट के साथ साथ मिला के मैंने ये डाला और कई लोग जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो ऑपरेशन डॉल्फिन नोज है ना वो बेसिकली क्या है, वो कंडक्ट किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट नेवल और सेंट्रल इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ऑपरेशन डॉल्फिन नोज में बेसिकली क्या है, जितने भी एस्पाइनेज रैकेट्स है अराउंड एरिया उनको बाहर करना। और इसकी इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है प्लस शिप बिल्डिंग सेंटर्स जहाँ पे हैं, जैसे जहाँ पर अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है वहाँ पर इसका बेसिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अब UPSC पूछ देगी कि ऑपरेशन डॉल्फिन नोज इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ये ऑपरेशन डॉल्फिन नोज है किसके लिए। ये है एस्पाइनेज रैकेट्स के लिए और लॉन्च किसे कौन कर रहा है, स्टेट नेवल और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज। डॉल्फिन प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रपोज किया है लाइक प्रोजेक्ट टाइगर टू एनहेंस पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, शेड्यूल वन में डॉल्फिन को इंक्लूड किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अपेंडिक्स वन में, साइट्स अपेंडिक्स में भी इंक्लूडेड है। इंडिया जो है फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, बिहार गवर्नमेंट ने जो है इस ऑब्जर्वेटरी को जो है बनाना शुरू किया है अंडर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। अब बात करते हैं आगे, तो जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं रिवर की जो इकोलॉजी है उनको मिटिगेट करने के लिए सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज के पास जो है इनके ऊपर काम किया जा रहा है। इरावाड़ी डॉल्फिन की अब हम बात कर लेते हैं, तो इंडेंजर्ड इसका स्पीशीज है, ये पाई जाती है इरावाड़ी रिवर में और ऑल्सो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है इंडिया की गंगेस चिलिका लेक और साउथ ईस्ट एशिया की मेकोंग रिवर में। ये प्रेफर करती है एस्चुरीज और ब्रैकिश वाटर में रहना नियर द कोस्ट। तो इरावाड़ी डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है ये हमने जान लिया। बात कर लेते हैं इसके शेड्यूल वन में ये कहाँ पर है, ये शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। आप बात करेंगे स्पर्म व्हेल की, तो इस टाइप की कुछ ये दिखती है। तो ये पायस्टर मैक्रोफेलस और कैचोलॉट इसको कहते हैं, ये लार्जेस्ट टूट कैटाकन है और ये ऑल्सो इसको क्या कहा जाता है, पॉट्स भी कहा जाता है। स्पर्मेक्टिका ऑयल जो है इसी से निकलता है जिसमें जो कि लैंप में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट में और कैंडल्स में भी यूज़ होता है। IUCN में इसका स्टेटस वल्नरेबल है। तो अब व्हेल शार्क की बात कर लेते हैं, कुछ इस टाइप की ये दिखती है। तो ये लार्जेस्ट शार्क हैं जो कि प्लैंकटन पे जो है फिट करती हैं और ट्रैवल करती हैं लार्ज डिस्टेंस टू सब्सटेंस ह्यूज साइज और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फाउंड कहाँ होती है, ट्रॉपिकल ओशंस में पाई जाती हैं, वर्ल्ड व्हेल शार्क इनको कहा जाता है, लार्जेस्ट फिश है प्लस ये फाउंड होती है ट्रॉपिकल ओशन में और ये वाइट स्पॉटेड कोलोटियम भी इनको कहा जाता है। इंडिया में गुजरात में मैक्सिमम डेंसिटी इनकी पाई जाती है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब प्रेजेंस की जब हम बात करें तो इनके प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्लैंकटन की ज़्यादा होना एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि ओशन की जो ओवरऑल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब व्हेल शार्क की जब हम बात करते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट फिश है लाइक बास्किन शार्क और ये फिल्टर फीडर है, दे फीड ऑन प्लैंकटन्स। अब बात करते हैं IUCN में एंडेंजर्ड है, साइट्स अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। ठीक है, अब पायलट शार्क की बात करते हैं, ये इसलिए ऐसा नेम है क्योंकि ये माना जाता था कि इनका ग्रुप जो है नेविगेट करता है विद अ लीडर। तो इसकी 2 सब स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे शॉर्ट फिल्ड पायलट वेल्स जो कि मेनली पाई जाती है ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट रीजन में और लॉन्ग फील्ड पायलट वेल्स जो कि कोल्डर वाटर्स में पाई जाती है। इनका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है।
अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग फिन्ड वेल्स की बात कर लेते हैं। इनके लंबे लंबे फिन होते हैं तो इनको लॉन्ग फिन्ड वेल कहते हैं। गोबालिस का फेलकस मेलस इसका नाम है। ये टू स्पीसीज हैं पायलट वेल की। तो ये शॉर्ट फिन्ड पायलट वेल्स की जब हम बात करते हैं तो ये डीप टेम्परेट टू सब पोलर ओशनिक वाटर में ये पाई जाती हैं और कोस्टल वाटर्स में भी कुछ कुछ जगह पाई जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ की गई है? अंटार्कटिक सी आइस में ये डॉक्यूमेंट की गई है। इसके अलावा कोल्डर बेल्यूगा हम्बोल्ट करंट में ये पाई गई हैं। इसका आयुसीएन साइट्स अपेंडिक्स 2 में है और लिस्ट कंसर्न आयुसीएन में इनका स्टेटस है। अमरीगाल कैप और वाइल्ड कार्प फिश की जब हम बात करते हैं वल्नरेबल है। रेफिंड स्पीशीज और कार्प फैमिली में बिलोंग करती हैं। नेटिव स्ट्रीम में ये रिवर में इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये कावेरी रिवर में पाई जाती है। एक्वा फार्म इनका एक्वाकल्चर बहुत ज़्यादा होता है और ये आउटसाइड नेटिव रेंज भी पाई जाती है। इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3.3 फीट है। आयुसीएन में अभी रिसेंटली कुछ स्पीशीज़ का जो है स्टेटस चेंज किया गया है। जैसे एल्बाकोर ट्यूना और येलोइश ट्यूना का जो है वो थ्रेटन से लीस कंसर्न में मूव की गई और ये पाया जाता था कि ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर के अलावा एपीपेलेजिक और मीजोपेलेजिक जोन्स में ये पाए जाते थे। और येराकुड डे ग्रीको की जब हम बात करते हैं तो ये इसका जो है आयुसीएन का स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड कर दिया गया। और येराकुड डे ग्रीको जो है वो ग्रीको स्पीसीज है जो कि शेवरॉय हिल्स में पाई जाती है और इनकी लोकेलिटी येरकुड टाउन है शेवरॉय रेंज में सालेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है, सतार का ग्रीको क्या है इसको जो है मूव किया है वल्नरेबल टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड और येलो मॉनिटर को मूव किया है फ्रॉम लीस्ट कंसर्न टू इंडेंजर्ड। अब देखिए स्टर्जियंस की बात करते हैं, बिल्कुल लेक्चर के एंड पे हम लोग आ चुके हैं। तो 7 फीट की डेट्रॉइट फिश जो है वो पाई गई है 100 ईयर्स ओल्ड की लगभग ये है और ये जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश बेलुगा स्टर्जन हुसो इसको कहा गया है। स्टर्जन जो है वो डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं अराउंड 200 मिलियन ईयर्स। तो ये लिविंग फॉसिल्स भी इनको कहा जाता है बिकॉज कुछ सालों में इनका जो है एग्जिस्टेंस बहुत ही लिटिल हो गया। 6 स्पीसीज हैं स्टर्जियंस की डेन्यूब रिवर में। 5 जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इनको अपेंडिक्स 2 साइट्स में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इलीगल सेल ऑफ डेन्यूब रिवर के ऊपर एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है जो कि लोअर डेन्यूब रिवर में स्पेशली इन बल्गेरिया और रोमानिया साइबेरिया और यूक्रेन रीजन में जो है इसका लगातार इलीगल ट्रेड चल रहा है। तो डेन्यूब जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर वोल्गा जिसमें कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स के आसपास जो है ये पाई जाती हैं स्टर्जियंस। अब बेलुगा स्टर्जियंस की हम लोग बात कर चुके हैं पीछे। वाइट स्टर्जियन की जब हम बात करते हैं तो स्टर्जियन है वाइट कलर की, बिगेस्ट ग्रोइंग स्टर्जियन है टुडे जो जिसको हम कहते हैं ट्रांस माउंटेनस। ठीक है, अब वाइट स्टर्जियन जो है वो थ्रेटन्ड नॉट थ्रेटन्ड है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने गई है बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इनकी भी पॉपुलेशन पे खतरा बढ़ रहा है। अब गोल्डन माशीर की बात कर लेते हैं, हिमालयन स्ट्रीम में पाई जाती है, आयुसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, लॉन्गेस्ट लिविंग फ्रेश वाटर फिश है, ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स, बिलोंग्स टू जीनस ऑफ टोर, एंडेंजर्ड है, नेटिव टू माउंटेन और सब माउंटेन रीजन है, पोंग डैम रिजर्वेयर हिमाचल प्रदेश जो है इनकी एम्पल पॉपुलेशन को जो है वो रखता है। अब ब्लू फिन माशीर की जब हम बात करते हैं टॉर खुदरी आयुसीएन स्टेटस जो है इनका अभी एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न की ओर मूव कर दिया गया है। रिवर मोटा मोला को ईस्ट ऑफ पुणे और अदर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये पाई जाती हैं। ये ओमनीवोरस हैं, एल्गी को खाती हैं, क्रस्टेशियन को खाती हैं, फ्रॉग को खाती हैं, इंसेक्ट को खाती हैं और फ्रूट जो कि ट्री से गिरते हैं उनको भी खाती हैं। आउट ऑफ 47 सब स्पीशीज जो है 15 जो हैं ये इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, बाकी सारी साउथ एशिया में पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनको कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली स्टेटस इनको अभी नहीं मिला हुआ है। अब हम तो बैक टू मार्शल की बात कर लेते हैं, तो इनका साइंटिफिक नाम है टॉर रैम देवी। तो इनका ये लार्ज फ्रेश वाटर स्पीसीज है, कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है इंक्लूडिंग पाम्बर कंबिनी और बहिनी रिवर। इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा ब्लूफिन डेक्कन माशीर है जो कि पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू और साउथ इंडिया में, रेड फिन माशीर है जो कि पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में, चॉकलेट माशीर पाई जाती है नॉर्दर्न रीजन में, ऑरेंज फिन माशीर पाई जाती है कावेरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी में, आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब प्रोजेक्ट माशीर चलाया जा रहा है 1971 से टाटा पावर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन के कोलैबोरेटिव एफर्ट से जिसमें 500,000 माशीर जो है वल्वन हैचुरी लोनावाला महाराष्ट्र में जो है एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करके वल्वान डैम प्रोजेक्ट के अंदर टाटा पावर में जो है कंजर्व की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट ने लगभग 50 साल तक जो है इनको प्रोटेक्ट कर एक बहुत अच्छा यील्ड दिया है। अब बात करेंगे हिल्सा मछली की, आप लोगों ने खाई होगी बंगाल के अगर आप लोग होंगे तो बांग्लादेश का नेशनल फिश है मत्स्यराज, इसको कहा जाता है किंग ऑफ फिशेस। यानी हिल्सा जो है माइग्रेट करता है इलाहाबाद गंगा रिवर सिस्टम से बांग्लादेश की ओर। ये सॉल्ट वाटर फिश है विच माइग्रेट्स टू स्वीट वाटर्स ऑफ गंगेस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ये जो है एंड्रोमस फिश है जो कि कहाँ कहाँ रहता है, ये ओशन में भी रहता है और रेनी सीजन में, बट रेनी सीजन में ये इधर को मूव कर जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स एस्चुरी जहाँ पर इंडिया बांग्लादेश में की एस्चुरी है जहाँ पर मीट करते हैं बे ऑफ बंगाल में। अब फिश जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हिल्सा मछली का जो है मीट भी काफ़ी अच्छा होता है तो काफ़ी लोग इसको खाते हैं, इस वजह से भी इसकी जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर
स्टेप्स ले लिए। स्पर्म व्हेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब क्रिस्म इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करे, सारी व्हेल्स हम लोगों ने, फिशेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे आप लोग हमसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आज की वीडियो का टारगेट पहले ही बता दिया कि 500 लाइक्स मिनिमम, प्लस जब आप लोगों के 1000 व्यूज होंगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोगों को आपका जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अगर कोई और वीडियोज भी आप लोग चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली वी विल मेक दीज वीडियोज ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।